बच्चों आज हम एक नया चैप्टर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास दसवीं का कक्षा दस का हिंदी माध्यम का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों प्रायिकता क्या नाम है बच्चों प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं आप ठीक है अब प्रायिकता क्या होती है चैप्टर का नाम तो प्रायिकता है प्रायिकता क्या होती है बेटा प्रायिकता का मतलब होता है सीधा सीधा मतलब गणितीय संभावना गणितीय जी हाँ गणितीय संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं जैसे आज के रिज़ल्ट के हिसाब से अगर मैं क्लास के आज के रिज़ल्ट की बात करूं और मुझसे पूछा जाए कि इस क्लास में कितने बच्चे पास हो सकते हैं तो मुझे लग रहा है क्लास के परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों की पास होने की संभावना गणतीय संभावना जो अभी तक हम प्रतिशत में पढ़ते थे बेटा तो मुझे लग रहा है हमारे क्लास से 10 परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं कितने परसेंट बच्चे हाँ तो ये जो संभावना होती थी उसको हम प्रतिशत में बोलते थे किस में बोलते थे प्रतिशत में अब यदि आप इसको काट देते हैं तो दस कम 10 और दस दाहम तो ये आ गया एक बटे दस क्या गया ये हाँ तो बच्चा बच्चों ये एक बटे दस जो है ये कहलाएगी गणितीय प्रायिकता इसे ही हम प्रायिकता कहेंगे तो आपकी जो प्रायिकता होती है वो इस तरीके से आपको दिखाई देती है ठीक है अब प्रायिकता निकालते कैसे है? तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो होती है एक प्रयोग की किसकी बेटा प्रयोग की प्रयोग मतलब कोई ऐसा काम जिसमें आपको ये ना पता हो कि रिजल्ट क्या आएगा जैसे परीक्षा देना एग्जाम देना आपके पास एक काम है आपको ये तो पता है कि आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे बट आपको ये नहीं पता है कि क्या होगा एग्जैक्टली तो मतलब आपके पास जो परिणाम है जिसका परिणाम आपको पता ना हो जिसका परिणाम आपको पता ना हो ऐसे किसी भी काम को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रयोग समझ में आ गया अब उस किए गए प्रयोग के कुछ उत्तर होते हैं कुछ क्या होते हैं उस प्रयोग के आउटपुट होते हैं मतलब प्रयोग जब करोगे तो कुछ उसके फल निकलेंगे प्रयोग के फल तो वो जो फल होते हैं कई फल हो सकते हैं एक हो सकते हैं दो या अनेक हो सकते हैं तो उन फलों के समुच्चय को आप बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं जोर से बोलो क्या बोला मैंने हाँ प्रतिदर्श समष्टि एस एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जैसे बच्चों प्रयोग के रूप में आपने एक पासे को फेंका क्या फेंका पासे को फेंका आपने प्रयोग के रूप में अब प्रयोग के रूप में आपने पासे को फेंका तो आपके पास संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं हो सकता है एक आ जाए दो आ जाए तीन आ जाए चार आ जाए पाँच आ जाए या छः आ जाए बोलिए हाँ या ना तो ये सभी संभावित परिणाम हैं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है तो सभी संभावित परिणामों का समुच्चय कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि और एन एस कुल परिणाम कितने हैं बेटा कुल परिणाम कितने हैं तो ये कहलाएगा परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या अब आपने पासे को फेंका अब आपसे मैं सवाल बना रहा हूं क्योंकि हमारा सवाल इस प्रयोग पर चलेगा पासे को फेंकने पर मेरा सवाल क्या है मैं आपसे सवाल बना रहा हूं कि देखो बच्चों सवाल तो बाद में बनाऊंगा मगर अब आपने प्रयोग देख लिया अब प्रयोग के बाद एक चीज़ और समझो जिसका नाम है घटना क्या नाम है बेटा घटना।, घटना को शो करते हैं ई से क्योंकि इंग्लिश में घटना को हम इवेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इवेंट इसलिए घटना को हम किससे शो करेंगे ई से किससे शो करेंगे ई से तो ये घटना है हमारे पास तो बच्चों घटना क्या होती है घटना जो होती है प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श समष्टि यानी एस के बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल प्रतिदर्श समष्टि के कुछ बिंदुओं को लेकर के कुछ बिंदुओं को लेकर के घटना बनाई जाती है जैसे एग्जाम्पल के लिए घटना मैं कहा पासे में अंक एक का आना कितने का आना, आना। दो का आना तीन का आना बेटा ये सब घटनाएं हैं ये सब क्या है? गटनाएं। गटनाएं हैं? घटनाएं हैं सम संख्या का आना सम संख्या का आना विषम संख्या का आना बेटा ये भी घटना है विषम संख्या का आना ठीक है ये सब की सब क्या है घटनाएं हैं ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ घटना को किससे शो किया जाता है ई से किससे शो किया जाता है ई से तो मैं लिखूंगा जैसे मान लीजिए घटना एक का आना तो क्या बनेगा ई बराबर एक क्या आना ई बराबर अगर दो आने की बात कर रहे हो तो ई बराबर कितना दो, दो अगर सम संख्या आना पासे के फेंकने में तो क्या क्या हो सकता है दो आ सकता है चार आ सकता है और छ आ सकता है अगर विषम संख्या की बात करोगे तो घटना बनेगा एक तीन और क्या पाँच ठीक है ना तो अब देखिए आपको फाइनली आपका फॉर्मूला आप चैप्टर का बनने जा रहा है फॉर्मूला है बेटा किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की बराबर नीचे सूत्र लिख रहा हूं पी फॉर प्रायिकता, ई फॉर घटना पी ई बराबर एन ई बटे एन एस एन ई बटे एन एस एन ई मतलब कि घटना के पक्ष के बिंदु बराबर ऊपर आएगा घटना के पक्ष के बिंदु और नीचे क्या आएगा कुल परिणाम कुल परिणाम समझ में आया कुल परिणाम इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेटा एन ई -E मतलब योर चॉइस आपकी पसंद आपकी मतलब घटना की पसंद घटना की पसंद और एन एस मतलब टोटल चॉइस टोटल चॉइस बेटा आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है बस अगर ये फॉर्मूला आपको बनता है तो आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा और जो है बेटा ये इसी फार्मूले में सब कुछ है एनी अपॉन एन एस फिर से मैं बोलूँगा पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस ये फार्मूला है जो भी है अब आओ समझते हैं हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं ठीक है बेटा चलिए देखते हैं सवाल आया हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन इस तरीके से आपके परीक्षा में आएगा पासे की एक फेंक पर सम अंकों के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए बच्चों मतलब प्रयोग हमारे पास क्या है क्या प्रयोग कर रहे हो पासे को फेंकना प्रयोग क्या है तो प्रयोग हमारा हो गया पासे को फेंकना बोलो हाँ ना तो प्रयोग पासे को फेंकना हो गया तो हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस इंग्लिश में एस के बिंदु बनेंगे वो छः बनेंगे कि नहीं बनेंगे बोलो बनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ अब बेटा हमको जो घटना बोली गई है हमारे सवाल में हमसे जो घटना पूछी गई है वो है सम अंकों का आना पासे को फेंकने पर जो हमारी घटना है इस सवाल में वो घटना क्या है बेटा बोलो सम अंकों का आना तो घटना जो है हमारे पास वो क्या दी गई है सम अंकों का आना मतलब हमारे जो बिंदु हैं घटना होती है ई तो ई के संगत जो बिंदु बनेंगे वो क्या बनेंगे दो चार छो चलिए एस को देख करके बताइए एस के अंदर कुल कितने बिंदु हैं ई को देखकर के बताइए ई के अंदर कुल कितने बिंदु हैं तीन बिंदु हैं यस और नो अब आपको निकालना है प्रायिकता किसकी ई की किसकी प्रायिकता तो ई की प्रायिकता का सूत्र मैंने बताया आपके चाहत के बिंदु या आपके जो घटना है उसके संगत के बिंदु अपॉन कुल बिंदु होता है कि नहीं होता होता कि नहीं होता ऊपर सूत्र लिखा हुआ है देख लो n अपॉन ns ये दिखा है ना तो एनी अपॉन एन एस तो ऊपर के बिंदु एनी है नीचे एन एस बोलो एनी कितना आया और एन एस कितना आया आंसर कितना आ गया एक बटे दो, दो। तो आपकी यहाँ पर इस प्रश्न की प्रायिकता कितनी है एक बटे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बन जाएगा चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं तो और अच्छा आपको समझ में आएगा चलिए देखते हैं आपसे कहा गया एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्वेश्चन है बातें बिल्कुल ना करें बच्चों दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया ठीक है ना सिक्कों पर सिक्कों पर चित्त या पट ठीक है ना चित्त या पट यहां पे चित्त और पट चित्त और पट।, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें चित और पट पर आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो सबसे पहले बेटा देखो आपने एक सिक्के को उछाला दो सिक्के कितने सिक्के बेटा तो ये दो सिक्के आपने उछाले हैं अब दो सिक्के आपने उछाले हैं तो सिक्के ये हो गया आपका प्रयोग क्या हो गया है आपका तो प्रयोग बन गया आपका दो सिक्कों को उछालना अब दो सिक्कों को उछालने के बाद आपके जो आउटकम हो सकते हैं जो आपके परिणाम हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं हो सकता है बेटा दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए क्या आ जाए यानी चित्त 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 और चित्र भारत का नक्शा बना होता है ना उसको हेड बोलते हैं और जो नीचे होता है जहाँ एक लिखा होता है वो क्या होता है टेल होता है क्या होता है तो हो सकता है हेड आ जाए बोलो हाँ है ना हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में और हो सकता है दोनों में क्या आ जाए क्या इसके अलावा कोई आउटकम बन सकता है क्या इसके अलावा कोई परिणाम बन सकता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी दिख रही है आपको चार, चार। कितनी है कुल परिणामों की संख्या चार। अब बनाते हैं हम घटना ई क्या है घटना अब ध्यान से देखिए ई हम किसकी पर निकालनी है सिक्कों पर चित और पट चित चित और हाँ तो जो हमारी ई है वो है सिक्कों पर चित्त और पट का आना चित्त और पट का आना बोलो है कि नहीं है तो चित्त और पट के आने के संगत हमारे कितने कितने परिणाम बन रहे हैं दो क्या रहे हैं पहले में चित्त आ रहा दूसरे में पट और पहले में पट आ रहा हो दूसरे में कितना यही है कि नहीं है दो. मतलब हमारे पसंद के परिणाम कितने बन गए दो कितने बन गए दो. अब हमको निकालनी है प्रायिकता किसकी ई की तो की प्रायिकता बराबर हो गया एनी बटे एनएस कितने बार पढ़ाऊं एनी बटे एनी का मान कितना है दो, दो। एन एस का मान कितना है आंसर कितना आ गया समझ में आ गया सर। क्लियर हो गया सर। तो इस तरीके से बेटा आप जो है प्रायिकता निकाल सकते हैं ठीक है तो प्रायिकता में यही सूत्र लगेगा किसी घटना ई की प्रायिकता किसी घटना ई की प्रायिकता ये सूत्र लिख रहा हूँ मैं ये सूत्र है एक बार फिर से आपके लिए किसी घटना ई की प्रायिकता किससे शो करते हैं पी ई बराबर ऊपर क्या आता है घटना के पक्ष के बिंदु घटना के पक्ष के बिंदु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एन ई क्या बोलते हैं और नीचे आते हैं कुल बिंदु क्या बोलते हैं कुल बिंदु या कुल परिणाम क्या होता है एनएस क्या होता है तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला हो जाएगा पीई बराबर कितना एन एस आ गई बात समझ में कोई दिक्कत तो ये है हमारा एक आपका प्रायिकता का थ्योरी अब हम एक क्वेश्चन आपको प्रायिकता का करके दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है है ना? आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ ये देखिए ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सत्रह एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए मतलब एक बार फिर से यहाँ पे प्रयोग के रूप में पासे को फेंका गया है बोलो हाँ या ना तो प्रयोग के रूप में आपने क्या किया पासे को फेंका फेंका कि नहीं फेंका तो आपने प्रयोग के रूप में पासे को फेंका है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सारे परिणाम एस बराबर कितना होगा बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया सारे परिणाम तुरंत लिख लो भाई एन एस बराबर कितना हो गया छः ओके यहाँ पे जो घटना ई e बोली गई है ध्यान से देखो यहाँ पे जो घटना ई है वो है अभाज्य संख्या आना बोलो है कि नहीं है तो यहाँ पे जो घटना ई है वो है पासे पर अभाज्य संख्या का आना बोलो सहमत हो कि नहीं हो पासे पर अभाज्य संख्या का आना तो बेटा अब हमारे पास अभाज्य संख्या के संगत बिंदु कौन कौन से हैं बोलो दो भाज्य है कि अभाज्य है दो भाज्य है कि अभाज्य है? है अरे दो के दो को कौन विभाजित करता है केवल दो करता और एक करता है और जो खुद से हो और एक से हो उसी को तो अभाज्य बोलते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दो, हाँ दो अभाज्य है तीन क्या है भाज्य की अभाज्य चार क्या है चार भाज्य है चार क्या है पाँच क्या है तो हमारे पास जो संख्याएं बन गई वो हो गई दो तीन पाँच बोलो ना तो एन ई कुल बिंदु कितने हो गए बोलो यहाँ पे तीन बिंदु हाँ है ना हाँ। अब निकालनी है हमको प्रायिकता है ना क्या निकालनी है प्रायिकता घटना ई की निकलती है तो पी ई बराबर एन ई बटा का एन एस एन ई बटा एन ई कितना आया एन एस कितना आया ए? बोलो आंसर कितना ए? नोट कर लीजिए तो ये आंसर हो गया आपका एक बटे दो प्रायिकता का ठीक है अभी रुक जाओ इकट्ठा कराता हूं ठीक है तो सही आंसर क्या हो गया बेटा एक बटे दो चलो बहुत बढ़िया अभी एक और सवाल कर लो उसके बाद इकट्ठा हम लोग करते हैं अभी एक और सवाल हम कर लें उसके बाद मैं आपको इकट्ठा करा देता हूं यस चलिए देखिए कैसे करेंगे अगला सवाल अगला सवाल देखिए एक डिब्बे में पांच लाल आठ सफ़ेद और चार हरे कंचे हैं तो डिब्बे हैं डिब्बे में पांच लाल हैं चलिए क्वेश्चन नंबर अथवा करा रहा हूं मैं हैं अथवा कौन से सवाल का अथवा सत्रह सवाल का अथवा तो सत्रहवें सवाल का अथवा सवाल आपके सामने है तो कह रहा है कि एक डिब्बे में पांच लाल तो लाल रंग के कितने कंचे हैं भाई साहब पांच। और सफ़ेद के कितने हैं आठ सफ़ेद रंग के आठ कंचे हैं और कौन सा कंचा है कौन से रंग का है हरे रंग का चार कंचे तो हरे रंग के टोटल कितने कंचे हैं चार।, चार कंचे हैं ये हो गए ये डब्बे के अंदर आपने सारे कंचे भर दिए ये डब्बा है इसके अंदर हरे लाल सब भरे हुए हैं ठीक है ना कलर से मत जाओ कि पीले भरे हो सर आप तो समझ गए ना इसमें हरे लाल सारे भरे हुए हैं कंचे ठीक है तो कुल जब आपने सारे कंचे मिला दिए हैं तो अंदर जब आप डब्बे में हाथ डालोगे तो आपका सामना किससे होगा कुल कंचों से कुल कंचों से होगा कि नहीं होगा तो कुल कंचों की संख्या कुल कंचों की संख्या कितनी निकलेगी बेटा पाँच प्लस आठ प्लस चार बराबर कितनी बेटा सत्रह तो यही बनेगा बेटा कुल परिणाम क्या बनेगा बेटा कुल हाँ जैसे वहां पे हेड और टेल बनता था दो परिणाम ऐसे यहाँ पे कुल परिणाम बन गए आपके पास सत्रह कितने बन गए कुल परिणाम बहुत बढ़िया कुल परिणाम आपके पास सत्रह बन चुका है ठीक है अब आंगे कुल प्रणाम सत्रह बनने के बाद इस डब्बे में से एक कंचा यद्रत छाया अब इस वर्ड को देख के ज़्यादा परेशान मत होना यद्रत छाया मतलब बिना भेदभाव के मतलब ऐसे ऐसे हाथ डाल करके आंख आपने बंद करी ऊपर से ये नहीं कि देख के हाथ से हाँ हरा वाला निकाल रहा हूँ नहीं ऐसे ही आपने हाथ से निकाल लिया एक कंचा बोलो हाँ और एक कंचा निकाला गया और वो कंचा क्या निकल करके आया सफ़ेद क्या निकल करके आया हाँ ठीक है ना तो आपने कंचा निकाल दिया और आपका कंचा सफ़ेद निकल करके आया आपको निकालना है कि कंचे के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी ठीक है तो इस बार जो आपकी घटना ई है घटना ई है क्या है वो घटना ई सफ़ेद कंचा निकलना क्या है सफ़ेद कंचा तो घटना ई आपकी बन गई है सफ़ेद रंग का कंचा निकलना बोलो ठीक है सफ़ेद रंग का कंचा निकलना तो मुझे बताओ बच्चों नंबर ऑफ ई ई के संगत कितने बिंदु होंगे टोटल कितने कंचे सफ़ेद कलर के आठ तो आठ में से कोई भी निकल सकता है ना तो आपके पास सफ़ेद कंचे निकालने के लिए टोटल कितनी चॉइस हैं आठ भले निकालोगे एक मगर चॉइस कितनी है आठ चॉइस कितनी है आठ जैसे जैसे जब पासा फेंकते थे तो आना है कोई एक सम संख्या मगर चॉइस होती थी तीन दो भी आ सकता है चार भी आ सकता है छः भी आ सकता है तो ऐसे यहाँ पे आपके पास टोटल चॉइस कितनी है बोलो अब आपको निकालना है प्रायिकता. तो प्रायिकता निकालनी आपको सफ़ेद कंचे होने की है ना सफ़ेद कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता पी ई -E. क्या पढ़ाया है एनी बटे कितना एन एस।, एन एस बताओ आपकी घटना के संगत कितने बिंदु हैं और कुल बिंदु कितने हैं तो आंसर कितना आ गया आठ बटे अब आपको प्रायिकता समझ में आ गई सर। क्लियर हो गई प्रैक्ता ठीक है अब बेटा देखो एक चीज और है इस प्रायिकता में प्रायिकता में अगर आपके पास कोई प्रयोग कर रहे हो बेटा आप तो उस प्रयोग में दो घटनाएं बनती हैं, कितनी हैं? दो घटनाएं दो घटनाओं में प्रयोग को तोड़ा जा सकता है एक होती है होनी और एक होती है अनहोनी समझ गए मतलब किसी घटना का घटित होना और दूसरा किसी घटना का घटित ना होना तो बेटा दो बिंदु हैं, किसी भी प्रयोग के दो रूप हैं। एक है होनी और एक है अनहोनी तो बेटा अगर कोई प्रयोग है अगर कोई प्रयोग है तो उसके होनी की घटना को ए का नाम दिया गया है किसका नाम दिया गया है और अनहोनी का नाम दिया गया है ए बार क्या नाम दिया गया है ए बार या इसी को बोलते हैं नॉट ए क्या बोलते हैं देखो बेटा एक नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं एक नियम है कि, कि किसी कोई घटना है आपके पास कोई प्रयोग में कोई घटना है जिसके होनी वाली घटना की प्रयक्ता मतलब पी ए पी ए क्या होगा घटना के घटित होने की प्रयक्ता और पी ए बार क्या होगा घटित ना होने की प्रायिकता तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना आता है ये याद रखिएगा इसको ऐसे भी बोला जाता है किसी घटना के घटित होने की प्रयक्ता पी ए प्लस पी नॉट ए पी नॉट बराबर कितना ए।, ए किसी घटना का होना और ना होना की प्रयक्ता का योग हमेशा कितना होता है एक होता है बोलो क्लियर की नॉट क्लियर अब इसको मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ देखो एक मैं उदाहरण से आपको बता देता हूँ जैसे मान लो तुमने एक पासा फेंका क्या फेंका पासा।, पासा आपने फेंका तो आपके पास जो है समुच्चय बन गया सभी पॉसिबल आउटकम का सारे जो आपके परिणाम बनेंगे उनका समुच्चय बना बोलो एक दो तीन चार पाँच छ बोलो ठीक है अब मैं यहाँ पे दो घटनाएं बना रहा हूँ एक है ए क्या है एक है ए ए घटना है सम अंकों का आना क्या है बेटा एक घटना है सम अंकों का आना तो सम अंकों का आना है एक घटना तो एक घटना के संगत बिंदु क्या होंगे दो चार, चार। छ होंगे तय आठ कहां से आ जाएगा पासा में कहाँ आठ होता है दो चार और छ हो गया सम अंकों का आना तो ए बार होगा सम अंकों का न आना बोलो यस कि नो ए बार हो गया सम अंकों का ना आना। तो ए बार के जो बिंदु हो गए बोलो क्या होंगे एक तीन पाँच होंगे कि नहीं होंगे okay. चलिए अब देखिए मैं दोनों की प्रेक्ता निकालता हूं और दोनों को जोड़ करके दिखाता हूं हैं हाँ यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा बोलो एन एस बराबर कितना मिलेगा छ कुल बिंदु कितने मिल रहे हैं तो एनएस बराबर कितना अच्छा एन ए घटना ए के संगत कितने बिंदु हैं और घटना ए बार या नॉट ए कह लो इसी को क्या बोल दो इसको नॉट ए यानी ए के घटित ना होने के संगत कितने बिंदु हैं दो जितने लोगों ने दो बोला वो गधे हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं जितने लोगों ने दो बोल दिया इसी तरीके से मैं चेक करता हूँ तुम लोग को कि कितने लोग सो रहे हो और कितने लोग जाग रहे हो आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं अरे गधों तीन बिंदु हैं यहाँ पे देख लो हाँ या ना हाँ, हाँ तो ए के संगत भी तीन बिंदु और ना ए नॉट ए के संगत भी तीन बिंदु क्लियर है तो प्रायिकता ए के संगत बराबर एन ए बटे क्या एन एस बोलो ए के संगत कितने बिंदु कुल बिंदु कितनी प्रायिकता आ गई एक बटे दो, दो, दो अब दूसरी प्रायिकता निकालता हूं पी ए बार पी ए बार, बार. तो एन ए बार मतलब सम संख्या ना आने के संगत बिंदु बटे कुल बिंदु बोलो सम संख्या ना आने के संगत कितने बिंदु कुल बिंदु कितनी आ गई एक बटे दो, तो दोनों हमारे पास आ चुकी है पी ए भी आ चुकी है और पी ए बार भी आ चुकी है इसी को हम बोलते हैं पी नॉट ए पी नॉट ए।, ए भी बोलते हैं इसी को चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं हम कि पी ए मतलब घटने की होने की प्रयक्ता और घटना के ना होने की प्रयक्ता भला कितनी आती है बोलो पी ए कितना आया और पी नॉट ए भी कितना आया आधा आधा जुड़ के कितना हो जाएगा तो सूत्र बन गया किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होने की प्रायिकता हमेशा कितनी आती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ गए ना किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या बनता है एक बनता है समझ गए अब इस पर कैसे सवाल आएगा देखो इस पर ऐसे सवाल आता है घटना ए के आप लोग मत लिखो अभी घटित होने की प्रायिकता शून्य दशमलव तीन है कितनी है बेटा शून्य दशमलव तीन घटना के घटित होने की प्रायिकता शून्य दशमलव तीन है तो के घटित ना होने की ना होने की प्रायिकता क्या होगी के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी चलिए देखिए इसका उत्तर कैसे करेंगे हम आपको पता है तो लिखेंगे हमें ज्ञात है हमें ज्ञात है कि किसी घटना का होना और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है अब यहाँ पे बताइए यहाँ पर जो है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है जीरो पॉइंट तो क्या मैं यहाँ जीरो पॉइंट थ्री लग दूँ और यहाँ पे पी नॉट ए रहने दूँ बराबर एक है तो पी ना होने की प्रायिकता घटित ना होने की प्रायिकता बराबर वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री आंसर आ गया जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन तो एक ए घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो गई जीरो पॉइंट सेवन बोलो समझ में आया नहीं आया जीरो पॉइंट सेवन कैसे आया अरे वाह बेटा बहुत अच्छा सवाल पूछे हो एक में से जीरो पॉइंट थ्री को माइनस करे हो तो बेटा दशमलव की चीज माइनस करने के लिए एक के पीछे जीरो लगा लिया जाता है और माइनस जीरो पॉइंट थ्री बोलो यस और नो जीरो पॉइंट थ्री बेटा ये एक इससे पावर ले लेगा ले ये दस बन जाएगा दस में से तीन गए कितना हुआ यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया था समझ में आया क्लियर हुआ तो भाई एक में से 0.3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.7 तो ये आपका हो गया प्रायिकता का पोर्शन पूरा प्रायिकता में दो चार ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए जरूरी हैं प्रायिकता में कुछ घटनाएं हैं एक है बेटा निश्चित घटना क्या नाम है और एक है बेटा असंभव घटना असंभव घटना कौन सी घटना निश्चित घटना मतलब बेटा जो होके ही रहेगी उसे बोलेंगे हम निश्चित घटना और असंभव घटना मतलब जो कभी नहीं हो सकती उसे हम क्या बोलेंगे असंभव घटना निश्चित घटना की प्रायिकता बेटा अगर कोई आपके पास निश्चित घटना है अगर कोई आपके पास निश्चित घटना है बेटा तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी आएगी एक आएगी और कोई असंभव घटना है बेटा मैंने पहले भी पढ़ाया आपको असंभव घटना जो हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता कितनी आएगी जीरो। जीरो। कितनी आएगी? जीरो। एक जो निश्चित घटना एक मतलब सौ परसेंट जो हो के रहेगी है ना और जीरो मतलब जो कभी हो नहीं, नहीं सकती जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे एग्जांपल पासे को एक बार फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंकने पर कितने पासे हैं एक पासे एक पासे को एक बार फेंकने पर सात आने की प्रायिकता ज्ञात करो सात आने की प्रायिकता ज्ञात करो अब देखो बच्चों पासे को फेंका है तो सबसे पहले सभी परिणाम कितने बनेंगे क्या क्या आ सकता है एक दो तीन चार पाँच छ मतलब सभी आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम या इसको प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु कितने हो गए अब आपको जो घटना बोली गई है ई वो कह रहा है सात आना क्या सात आना पासे पर सात आना बोलो भाई साहब संभव है क्या पासे पर सात आना छई तो अंक होते हैं कहाँ से सात आएगा तो बताइए ई के संगत बिंदु कितने होंगे जीरो आ ही नहीं सकता है तो घटना ई के संगत बिंदु कितने हो गए तो प्रायिकता बराबर घटना ई की प्रायिकता बराबर एन ई बटे कितना एन एस एन ई कितना है एन एस कितना है जीरो बटे छः बराबर कितना तो ये कहलाएगी कौन सी घटना असंभव घटना कौन सी घटना तो प्रायिकता घटना निश्चित घटना की कितनी होती है एक कितनी होती है और असंभव घटना की कितनी होती है? और याद रखिएगा कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है बेटा वो कम से कम जीरो हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी एक इससे बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती है एक से बड़ी नहीं हो सकती और जीरो से छोटी कभी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी चीज़ आपके जीवन में या तो वो नहीं होगी तो उसके होने की संभावना जीरो परसेंट है और अगर कोई घटना हो रही है पूरे रूप से तो उसकी संभावना हंड्रेड परसेंट है बोलो हाँ समझ गए ना जैसे आपके अंक जो आएंगे आपके अंक शून्य से लेकर सौ के बीच में ही तो आएंगे भाई शून्य से नीचे नहीं आ सकते बोलो हाँ और सौ से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते तो इस तरीके से जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो चलो कैसे निकालोगे प्रायिकता शून्य एक अंक है टोटल परिणाम कितने सौ और सौ भी एक अंक है टोटल परिणाम कितने सौ अरे कुल कुल अंक कितने तुमको दिए गए हैं सौ तो प्रायिकता कितनी बनेगी यहाँ जीरो और यहाँ कितना तो प्रायिकता हमेशा कम से कम कितनी हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी एक तो प्रायिकता हमेशा जीरो से लेके एक के बीच में होती है समझ गए कोई आपसे कहे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक दशमलव एक है बताओ ये संभव है कि असंभव है असंभव है क्योंकि प्रायिकता भैया एक से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती एक दशमलव एक कहाँ आ जाएगा कोई कहे आपसे कि प्रायिकता बेटा है किसी घटना की माइनस जीरो दशमलव तीन बोलो ये संभव है कि असंभव है असंभव है क्योंकि प्रायिकता जीरो से छोटी निगेटिव नहीं हो सकती है और निगेटिव कहाँ जाता है जीरो से पीछे और जीरो से एक के बीच में प्रायिकता होती है बस इतने के बीच में होती है तो ये तो पीछे जा रहा तो ये भी क्या है बेटा असंभव मतलब ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता समझ में आ गया तो ये हमारा प्रायिकता हो गया तो पूछा गया था एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है एक समझ गए तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमारे पास एक होती है और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं प्रायिकता का आया है कि नहीं आया हाँ ये देखिए पासे को एक बार फेंकने पर संख्या आठ बोलो खुद बोलो क्या होगी इसकी प्रैक्ता जीरो भाई अरे प्रैक्ता पूछी है घटना का प्रकार मत बताओ बोला है कि पासे को एक बार फेंकने पर आठ अंक आने की प्रायिकता बताओ आठ आ सकता कभी नहीं आ सकता नहीं, नहीं आ सकता मतलब भाई साहब आपने हमसे कैसी घटना पूछ ली असंभव घटना कैसी घटना पूछ ली और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है जीरो होती है क्लियर ना आप कोई बोले आपसे कि किसी शेर का बच्चा इंसान होने की प्रायिकता बताओ बताओ शेर का बच्चा इंसान हो सकता है नहीं। नहीं। बताओ है ना? नहीं हो सकता बघवा के बघवाई बोला हाँ या ना तो भैया इसलिए असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी जीरो क्लियर है तो इसको बोलते हैं हम लोग असंभव घटना क्या बोलते हैं इसको तो चलिए ये सारे सवाल तो हमने लगा लिए हैं बड़े अच्छे से बारह भी कर लिया तेरह भी कर लिया चौदह भी कर लिया पंद्रह भी करा दिया आपको अब इसके बाद सत्रह के भी दोनों बिंदु हमने कर लिए बोलो कर लिए कि नहीं कर लिए हाँ तो प्रायिकता में से बस इतना ही आया है बेटा तीन नंबर का एक सवाल और दो नंबर का एक सवाल तो तीन और दो पाँच नंबर के ये सवाल हो गए चलिए एनीवे तो हमारा यहाँ पे प्रायिकता कंप्लीट हो गया है नोट करिए